तो राम राम जी, अगर सच्चे राम भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और नीचे राम राम लिख दो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा की, बहुत ही फेमस टाटा पंच की। देखिए दोस्तों, कई सालों से ये गाड़ी अपने एक ही रूप में आने लग रही है एंड अब इसका फाइनली टाटा पंच का फेसलिफ्ट आने वाला है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। अगर आपको पढ़ना है सारी जानकारी तो आप carindianews.com पे जाके पढ़ सकते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ साथ पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करें टाटा पंच फेसलिफ्ट की तो इसका इंटीरियर कुछ इस प्रकार का रहेगा, जिसमें आपको जो लोगो है वो इल्यूमिनेटेड मिलेगा, यानी कि जलता हुआ लोगो मिलेगा, एंड जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा वो भी अलग होगा। टाटा पंच के जो लुक्स हैं आपको कुछ इस प्रकार के देखने को मिलने वाले, देख सकते हो कितने ज़्यादा ज़बरदस्त लुक्स जो हैं नई टाटा पंच फेसलिफ्ट 2024 के आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से भी टाटा पंच कुछ कम नहीं है, दिखने में बहुत ही अमेजिंग है। साथ साथ नए हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, नए ग्रिल मिल जाती है, नए अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको, साथ साथ DRL भी जो है वो नई टाइप की इस गाड़ी में दी गई है। कलर्स ऑप्शंस में भी इस गाड़ी में काफ़ी सारे नए कलर्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, जैसे कि जो लाल कलर होगा उसको फिर फायरी रेड कलर नाम से लॉन्च करा जाएगा। हैंडल्स जो होंगे वो थोड़े से डिफरेंट यहाँ पे रखे जाएंगे, हैंडल्स में ब्लैक कलर दिया जाएगा। रियर की मैं बात करूँ तो रियर से आप देख सकते हो टाटा का लोगो मिल जाता है, पीछे टेल लैंप्स ऑल न्यू आने वाले हैं, कनेक्टेड टेल लाइट्स भी इंस्टॉल करी जाएंगी इसमें, वाइपर देख सकते हैं टाटा पंच पीछे लिखा हुआ है वो मिल जाता है आपको। इसी के साथ साथ गाइस, अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाटा मोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा वर्क करके इस गाड़ी को बनाया है अब की बार, एंड जितने भी लोगों को चाहिए थी टाटा पंच फेसलिफ्ट, उन लोगों के लिए बहुत ही तगड़ा ऑप्शन जो है ये दिया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो सबसे पहले बात करें गाड़ी के डायमेंशन। टाटा पंच फेसलिफ्ट की लंबाई 3995 mm होगी, चौड़ाई 1775 mm होगी और ऊंचाई लगभग 1555 mm होगी। इसका व्हील बेस 2580 mm होगा और आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। इसके अलावा नई R16 के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे जो इसे एक प्रीमियम लुक देंगे। इसमें 315 L का बूट स्पेस होगा, ये बूट स्पेस काफ़ी बड़ा होगा एंड आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करूँ, नई टाटा पंच फेसलिफ्ट में आपको नया इंजन ऑप्शन मिलेगा, इसमें 1.2 L का पेट्रोल इंजन होगा जो 4 सिलेंडर के साथ आएगा। यह इंजन CNG ऑप्शन में भी उपलब्ध होगा, जिससे आपको बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस मिलेगी। यह इंजन लगभग 90 BHP की पावर जनरेट करेगा, जो आप लोगों को कहीं पे भी अंडर पावर फील नहीं होने देगा। अब देखिए दोस्तों, टाटा पंच में बस यही की छोटी सी दिक्कत आती थी कि जो इसका इंजन था वो इतना ज़्यादा हम लोगों को ताकतवर नहीं लगता था, तो टाटा ने फाइनली ये चीज़ सुन ली और आप लोग जो भी परेशान थे इसके इंजन से उनको मिलेगा अब ज़बरदस्त इंजन। देखिए, मैं सोचता हूँ कि अगर इसमें एक हाइब्रिड ऑप्शन और उपलब्ध होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। टाटा पंच जो फेसलिफ्ट है उसमें अब की बार आपको काफ़ी रिफाइंड इंजन, और ऐसा भी हो सकता है कि BS7 वाला इंजन दिया जाए जो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होगा एंड उसकी जो पावर है आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी लगेगी, जो अभी हमारी टाटा पंच आती थी उसके कंपैरिजन में। चलिए दोस्तों, और फीचर्स के बारे में बात करते हैं इसके, तो इसमें जो है आप लोगों को इंटीरियर लुक्स की तरफ, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको टाटा पंच ईवी जैसी लगेगी। इसमें कुछ सिमिलर फीचर्स होंगे जैसे कि फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट्स और टेल लाइट्स का डिज़ाइन। इसके ओवरऑल लुक्स मॉडर्न और स्टाइलिश होगा, जो इसे सड़क पर आकर्षक अपील देगा। नए टाटा पंच फेसलिफ्ट के इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको ऑल लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेगी, जो इसे एक प्रीमियम लुक देगी। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह डिस्प्ले कलर्ड होगी, जो आपको टाटा पंच ईवी में मिलती है। इसके अलावा स्टेयरिंग व्हील पर आपको लिमिटेड टाटा लोगो मिलेगा। यह इसमें एक 11 इंच का बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम, और ऐसा भी हो सकता है शायद से सनरूफ भी अब की बार जो है आपको टाटा पंच फेसलिफ्ट 2024 में देखने को मिल जाए। तो सोच रहे हो पंच फेसलिफ्ट 2024 अगर सनरूफ के साथ आ जाती है तो इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको तो एक कच्चा चबा जाएगी। हमारी स्विफ्ट ही ले लीजिए, स्विफ्ट की सेल्स भी जो है गाड़ी काफ़ी हद तक खा सकती है अगर सनरूफ के साथ आ जाती है। तो सनरूफ भी अब की बार एक्सपेक्टेड है हमारी टाटा पंच फेसलिफ्ट 2024 में। ठीक है गाइस, आप एक चीज़ लिख के बताइएगा मेरे को नीचे कि आपको कौन सा जो इसका फेवरेट फीचर है वो लग रहा है। मुझे तो जो इसकी सनरूफ है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ऊपर शार्पिन एंटीना मिल जाएगा आपको। इसी के साथ साथ इंजन के बारे में तो मैंने आपको और बता दिया, और थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सेफ्टी फीचर्स में ये गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, जैसे कि 6 एयरबैग्स, हिल्ड होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी सुविधाएँ जो हैं वो आपको भरपूर मिलेगी। अगर बात करें इसके आर्क आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगी, ये जो आर्किटेक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है, अंडर बैठे हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेफ रखता है। गाइज, इसकी जो प्राइसिंग होगी लगभग 6 लाख से 9 लाख रुपए के आसपास रखी जाएगी। 6 लाख में बेस मॉडल मिल जाएगा, 9 लाख जो है उसमें आपको टॉप मॉडल मिल जाएगा। तो गाइज, कौन सा फीचर आपको बेस्ट लगा नई टाटा पंच फेसलिफ्ट 2024 का, मुझे लिख के बताएगा। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद। और 100% लिख के बताएगा कि आपको कौन सा फीचर जो है नई टाटा पंच फेसलिफ्ट 2024 में बढ़िया लग रहा है। तो नमस्ते दोस्तों।